to be or not to be, that is the question. जीना या मरना, यही एक सवाल है। क्या ये निकम्मे निर्लज और लाचार अस्तित्व को लेकर इस असहनीय परिस्थिति में जीना योग्य है, या फिर अंत कर दूं मैं इस शरीर की पीड़ा का और फेंक दूं इसे मौत की गहराइयों में, अंत कर दूं मैं सबका, मेरा तेरा और उसका भी। मौत फिर इस जिंदगी को अपने कब्जे में कर ले और सुला दे उसे एक गहरी नींद में सदा के लिए। लेकिन फिर वही सपनों ने मेरी इस नींद पर भी हमला बोल दिया, तो यही तो विडंबना है। पर अब मैं इतना वीर नहीं रहा कि नई और अनजान राहों में भटकता फिरूं, इसलिए यह निर्बल अस्तित्व सहन किए जा रहा हूं। मैं अपने ही आत्मसम्मान का बलात्कार सहन कर रहा हूं एक बेजान लाश की तरह। मैं अपने ही अस्तित्व को तार तार होते सहन कर रहा हूं, और अंत में जिन्होंने मेरी हत्या की, मैं उन्हीं के पांव पकड़कर उनसे रहम की भीख मांग रहा हूं। हे परमात्मा, तू इतना निर्दय कैसे हो गया? पहले तूने हमें जन्म दिया, फिर हमारे अंदर कला की जोत चलाई, उसके बाद अंधेरी और सुनसान गलियों में रखकर हमको भूल गया? अरे जिनका साथ हमने दिया था वो तो हमें भूल गए, पर तू तो हमारा पिता था, तू हमें कैसे भूल गया? अब ये जर्जरित आत्मा किससे शरण मांगेगी मेरे परमात्मा? किसके पैरों के पास रहेगी अब ये? बता मुझे, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। हाय, आई एम खुश वालिया। हाय, दिस इज नमन शेट। दरअसल में ये मोनोलॉग मशहूर मराठी मूवी नट सम्राट से इंस्पायर है, जिसे हमारे दिग्गज कलाकार श्री नाना पाटेकर साहब ने डिलीवर किया था। ये उसी का हिंदी वर्जन है और इसमें मैंने अपने कंसेप्ट के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टैंडिंग ओवेशंस फॉर मोर वीडियोज। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।